भाजपा के हरियाणा चुनाव प्रभारी एवं केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कुरुक्षेत्र में भाजपा कार्यकर्ताओं की बैठक ली। बैठक के उपरांत पत्रकारों से बातचीत करते हुए तोमर ने बताया कि हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी के स्टार प्रचारक नरेंद्र मोदी प्रचार करेंगे और 15 अक्टूबर को कुरुक्षेत्र रहेंगे। इसके अलावा गृह मंत्री अमित शाह प्रदेश में 12 रैलियां करेंगे और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हरियाणा में चुनावी रैलियों में भाग लेंगे। तोमर ने दावा किया कि हरियाणा में भाजपा सरकार 75 पार के नारे पर खरी उतरने वाली है, इसमें किसी को कोई संदेह नहीं है। हरियाणा राज्य में विधानसभा चुनाव की दृष्टि से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की तैयारी लगभग पूर्णता की ओर है। सारे कैंडिडेट तय हो गए हैं, चुनाव प्रचार प्रारंभ हो गया है और यहाँ पर हमारे प्रधानमंत्री जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, रक्षा मंत्री जी, कार्यकारी अध्यक्ष जी योगी आदित्यनाथ जी, श्री जयराम ठाकुर जी, ऐसे सभी नेताओं के कार्यक्रम भी लगभग सुनिश्चित हो गए हैं और उनकी तैयारियां चल रही हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी का कार्यक्रम कुरुक्षेत्र में भी आयोजित होगा अन्य स्थानों के साथ साथ, इसलिए मैं और हमारे राष्ट्रीय महामंत्री जो हमारे संगठन प्रभारी भी हैं माननीय अनिल जैन जी के साथ आज कार्यकर्ताओं से चर्चा करने के लिए आए हैं। इससे पहले हम लोग बल्लभगढ़ में थे जहां प्रधानमंत्री जी का कार्यक्रम होने वाला है, वहां भी तैयारियों से संबंधित चर्चा हुई और निश्चित रूप से सभी ने बहुत उत्साह से इस कार्यक्रम को लिया है। सभी जगह प्रधानमंत्री जी के कार्यक्रम ऐतिहासिक और अभूतपूर्व होंगे, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 5 वर्ष तक लगातार खट्टर जी के नेतृत्व में बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, चाहे गरीब कल्याण का सवाल हो, चाहे किसान कल्याण का सवाल हो, चाहे अधोसंरचना विकसित करने का मामला हो, हर क्षेत्र में मुख्यमंत्री जी ने एक मील का पत्थर गाड़ा है। उसके परिणाम स्वरूप हरियाणा की जनता, भारतीय जनता पार्टी और सरकार के बीच में एक मजबूत सेतु बना है। केंद्र सरकार ना नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो देश को आगे बढ़ाने का काम हुआ है, रक्षा की दृष्टि से हम और मजबूत हुए हैं, विदेश नीति और कूटनीति पर भी मोदी जी के नेतृत्व में अनेक सफलताएं प्राप्त हुई हैं और आज हम देख रहे हैं कि भारत एक तौर से दुनिया में महत्वपूर्ण राष्ट्र के रूप में उभर रहा है। इस कारण भी निश्चित रूप से काफ़ी हमको हरियाणा के क्षेत्र में फायदा मिलने वाला है। और दूसरी तरफ अगर देखेंगे तो विपक्ष पूरी तरह हताश है, निराश है और एक तौर से दिशाहीन होकर विपक्ष भटक रहा है। इसलिए मुझे पूरा विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी ने जो 75 का आंकड़ा तय किया है, इसको सभी कार्यकर्ता मिलकर पार करेंगे और पुनः हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने में सफल। 15 अक्टूबर, 14, 15 और 18, जिसमें कुरुक्षेत्र में 15 को मोदी जी की रैली जी, और अमित शाह जी और नड्डा जी, अमित शाह जी के लगभग 12 स्थानों पर कार्यक्रम बन रहे हैं और उनका भी कार्यक्रम 9 तारीख को है, पहला बन गया है। बाकी रक्षा मंत्री जी के भी कार्यक्रम बन गए हैं, योगी जी का भी कार्यक्रम बना है। सने जैसे जैसे तारीखें नज़दीक आती जा रही हैं, कार्यक्रम बनते जा रहे हैं और उनकी तैयारियां जारी हैं।